अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है ना, डेफिनेटली ट्राई दिस फाउंडेशन. सी, लुक एट द कवरेज. मैंने जैसे बताया कि मुझे पहले से ही टी जोन पे पसीना आ रहा था, बट मुझे अब बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा. लुक एट दिस, जा रहा है. लुक एट दिस. OMG, literally. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So guys, शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड आपको भी तलाश होगी ना बेस्ट अफोर्डेबल फ्लॉलेस एंड फुल कवरेज फाउंडेशन की. सो डोंट वरी, मैं आज आप लोगों से ऐसा ही एक फाउंडेशन शेयर करने वाली हूँ जो फुल कवरेज देता है, बट एट द एंड ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है. 500 के अंदर ही आपको ये मिल जाएगा फाउंडेशन. एंड आज तक मैंने जितने भी फाउंडेशन के रिव्यू आप लोगों से शेयर किए हैं, उन सारे वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू. एंड इस वीडियो को भी देना, बिकॉज ये काफी अच्छा फाउंडेशन है एंड इतना अफोर्डेबल है ना कि आपको यकीन नहीं. एंड इस फाउंडेशन का कवरेज इतना अच्छा है कि आपको एक पंप से ही पूरा बेस आप कंप्लीट कर लोगे इसको, बिकॉज ये फुल कवरेज फाउंडेशन है. जी हाँ, सो मैंने बहुत बकवास कर लिया, बता भी देती हूँ कि कौन सा फाउंडेशन है. सो ये है स्विस ब्यूटी का स्टूडियो फिनिश फाउंडेशन, जो फुल कवरेज फाउंडेशन है एंड ये फ्लॉलेस फिनिश देता है एंड बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है. एंड मैं बता दू, ये बिल्कुल मैट फाउंडेशन. अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है ना मेरी तरह, तो आप इस फाउंडेशन को जरूर ट्राई करो. इस फाउंडेशन को अप्लाई करने से आपको बिल्कुल पसीना नहीं आएगा, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. इसको मैंने 2 बार ट्राई किया है, देख सकते हो यहाँ पे ओपन भी है. सो चलो इसको हम ट्राई करते हैं कितना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये जितना क्लेम करता है वो इतना दे पाता है कि नहीं. एंड इस फाउंडेशन में बहुत सारे शेड्स है, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो. एंड मेरा शेड है 04 वॉर्म न्यूड, जो मेरा एग्जैक्ट शेड है. पहले बता दूं, इसको जब हम अप्लाई करते हैं ना थोड़ा ज्यादा व्हाइट लगता है, बट ये सेटल डाउन हो जाता है धीरे धीरे. सो चलो इसको हम ट्राई करते हैं. मैंने फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया, मैं आप लोगों के सामने जस्ट प्राइमर अप्लाई करूंगी पर्पल का एंड नथिंग एल्स. कोई मॉइस्चराइजर भी नहीं अप्लाई किया, बिकॉज मुझे देखना था कितना ज्यादा हाइड्रेट करता है, कहीं बहुत ज्यादा ड्राइनेस तो नहीं लगता है ना. सो मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है. मैं बता दूं, मुझे अभी भी पसीना आ रहा है एंड मैंने एसी फैन कुछ भी नहीं ऑन किया है, बिकॉज नॉइस तो आपको आता ही ऑन रहता. तो मुझे अभी भी टी जोन पूरा मेरा पसीना से भींगा हुआ है. इसी में इसका अग्नि परीक्षा होगी कि कितना ज्यादा सफल होता है फाउंडेशन. तो चलो ट्राई कर. इसकी पैकेजिंग आप लोग देख लो, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है. बहुत ज्यादा वाव नहीं है, बट हाँ अच्छी है, लग्जूरियस पैकेजिंग है, बहुत ज्यादा चीप भी नहीं है. एंड इसका जो बॉटल है ना, इसको देख के आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा. लुक एट दिस, की पैकेजिंग बहुत ज्यादा लग्जूरियस है. आप लोग दुख देख, सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है फाउंडेशन का, वो अगर पंप के साथ आए तो, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो फाउंडेशन, बहुत ज्यादा भी नहीं निकलेगा, बहुत कम भी. फुल कवरेज फाउंडेशन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लुक एट दिस. सो चलो ट्राई करते हैं, बहुत ज्यादा बकवास ना करते. यहाँ पे लूंगी मैं जस्ट वन पंप. लुक एट दिस, बस मैं हाफ एरिया पे अप्लाई करूंगी. सबसे पहले आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि कितना अच्छा फाउंडेशन है. सो हाफ एरिया पे हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं. ओके, बहुत ज्यादा मैं अप्लाई नहीं करूंगी, बिकॉज मैंने जैसे बताया इसका फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. सो देख सकते हो मेरे स्किन टोन से बिल्कुल एग्जैक्ट मैट फाउंडेशन है, बट बिल्कुल भी ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत स्मूथली ब्लेंड हो रहा था. एंड यहाँ पे जो ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज कर रही हूँ, देख सकते हो बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है फाउंडेशन को. इसका भी रिव्यू मैं शॉर्ट्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना. बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट ब्यूटी ब्लेंडर है. एंड इस फाउंडेशन को अप्लाई करते आपके जितने भी पोर्स है वो सब ब्लर हो जाते हैं. लुक एट द डिफरेंस फिनिश एंड कितना ज्यादा फ्लॉलेस लग रहा है. लुक एट दिस, एंड मैंने कोई कट नहीं डाला है. लुक एट द डिफरेंस, जस्ट सी कितना ज्यादा अच्छा इसका फिनिश है, फ्लॉलेस लग रहा है एंड कितना ज्यादा हाइड्रेटिंग भी है. कई फाउंडेशन अप्लाई करते ही ना आपको वैसा लगेगा हैवीनेस जैसा फील होता है, लगता है जैसे कितना ज्यादा फाउंडेशन थोप लिया, बट इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. एंड लुक एट द कवरेज, जस्ट कवरेज देखो कितना अच्छा, हायर ब्रांड के जैसे कवरेज है इसका. एंड सी, ये है विदाउट फाउंडेशन एंड ये है विद फाउंडेशन. आप चाहो तो इस पे लेयर अप कर सकते हो, बिल्कुल दिखा देती हूँ आपको लेयर अप करके. ठीक है, अगर आपको और कवरेज चाहिए तो आप और भी लेयर अप कर सकते हो, बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं लगेगा. सी, लुक एट द कवरेज, जस्ट कवरेज देखो इसका. OMG, डिफरेंस देख सकते हो. जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा व्हाइट लगेगा, बट धीरे धीरे सेट हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइम देना अप्लाई करने के बाद ये सेट हो जाएगा बिल्कुल. बहुत ज्यादा आपको लेयर अप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देख सकते हो एक पंप में भी, उसमें से भी मैंने आधा ही अप्लाई किया है फाउंडेशन एंड ये पूरा मेरा फेस को कवर कर चुका है. लुक एट दिस, डार्क सर्कल्स भी देख सकते हो, मेरा जो आई एरिया पे थोड़ा थोड़ा सा डार्क सर्कल्स है वो भी अच्छे से कवर हो गया है. दिस फाउंडेशन परफेक्ट फॉर ऑयली एंड बहुत ज्यादा स्वेटी स्किन के लिए. अगर आपको 100% स्वेट आता है ना, अगर बहुत ज्यादा कड़ाके की गर्मी है, तो इस फाउंडेशन को अप्लाई करने से आपको 20% पसीना आएगा. लग रहा है ये इतना अफोर्डेबल फाउंडेशन है, इसका कवरेज देख के बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगाया जाता. मैंने बिल्कुल भी कंसीलर नहीं अप्लाई किया है, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है कंसीलर की अभी, जितना मुझे लग रहा है. एंड
अब हम इसको सेट करेंगे पाउडर के साथ। एक तरफ मैं कॉम्पैक्ट से सेट करूंगी, नॉर्मल कॉम्पैक्ट, और एक तरफ मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट करती हूँ, देखती हूँ कौन सा ज्यादा बेटर लगता है। क्लोजअप में आप लोग देख रहे हो इसका फिनिश, अभी मैंने सेट नहीं किया कॉम्पैक्ट से, एंड लुक एट दिस। बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस फाउंडेशन है, सच में ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। एंड मैंने जैसे बताया कि मुझे पहले से ही टी जोन पे पसीना आ रहा था, बट मुझे अब बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा है, लुक एट दिस, बिल्कुल भी मेरे नोज पे पसीना नहीं आ रहा है। बस फाउंडेशन को ही मैंने अप्लाई किया, अभी तक इसको सेट भी नहीं किया है, एंड सीधा रिजल्ट। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है ना, डेफिनेटली ट्राई दिस फाउंडेशन, बट पूरा वीडियो देखने के बाद, बिकॉज हो सकता है सेट करने के बाद पसीना आए, तो देखो इसका रिजल्ट बाद में, फिर बताऊंगी मैं आप लोगों को लेना चाहिए। पाउडर से सेट करने से पहले मैं ऐसे ही टिश्यू पेपर से ट्राई करूंगी कि ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। सो दिस टिश्यू पेपर, कुछ भी नहीं है, एंड मैंने बिल्कुल भी सेट नहीं किया, इसलिए चिपक भी जा रहा है, लुक एट दिस। विदाउट सेटिंग ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आज तक ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है जिसको सेट किए बिना ये ट्रांसफर ना हो। OMG, लुक एट दिस, इतना अच्छा रिजल्ट मुझे भी नहीं पता था, दो बार मैंने अप्लाई किया है, फिर भी लुक एट दिस, बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। डेफिनेटली ट्राई दिस फाउंडेशन। मैं यहाँ पे फेस स्टैंड का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ एक तरफ, एक तरफ मैं मार्स का लूज पाउडर। कितना ज्यादा फ्लॉलेस लग रहा है बेस, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि फाउंडेशन अप्लाई किया है, बट कवरेज भी लग रहा है। आज मैं इसको प्रपोज करने वाली, बिकॉज मुझे तुझसे प्यार हो गया है, सच में मैंने मुझे इससे प्यार हो गया है, इतना अच्छा कवरेज। फिर से एक बार और ट्राई कर लेते हैं, बट ये पहले ही नहीं ट्रांसफर हो रहा था, पाउडर से सेट करने के बाद क्या ही होगा, बिल्कुल भी ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फेस से चिपक गया है। लुक एट दिस, लुक एट दिस फाउंडेशन। अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए बेस्ट फाउंडेशन, फुल कवरेज फाउंडेशन, सबसे बड़ी बात कि पसीना आए तो भी ये फाउंडेशन ना निकले, तो डेफिनेटली ट्राई दिस फाउंडेशन। एंड थोड़ा सा मैं इसको वेट करती हूँ कि और थोड़ा देर, 5-10 मिनट के बाद ये कैसा लगता है, तो तब तक मैं लाइनर एंड लिपस्टिक अप्लाई कर लूँ, और मैं कुछ नहीं अप्लाई करूंगी बिकॉज आज सिर्फ इसका दिन है, तो इसी को हाईलाइट होने देते हैं। जस्ट मैंने लाइनर एंड लिपस्टिक अप्लाई किया, लिपस्टिक कितना प्यारा लग रहा है ना, कमेंट करके बताना। लुक एट माय बेस, कितना ज्यादा फ्लॉलेस लग रहा है, बिल्कुल भी जैसे मैंने बताया पसीना नहीं आ रहा है। लुक एट दिस, बिल्कुल भी मेकअप नहीं उतरेगा आपका, एक बार इस फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया ना तो आप भूल जाओ, जब तक आप मेकअप रिमूव नहीं करोगे मेकअप रिमूवर से, तब तक ये बेस नहीं हटने वाला। तो चलो अब थोड़ा सा वाटर टेस्टिंग भी कर लेते हैं इसका। रहा पानी, ये रहा ये, क्योंकि मेरा पूरा ड्रेस गीला हो जाएगा, बचाते हैं जितना हो सकते बचाते हैं। मेरा लेंस ऊपर चला गया था, इसको हम थोड़ा देर छोड़ देते हैं, उसके बाद में इसको ड्राई कर, पानी के साथ रब करके देखें। OMG, literally, I'm rubbing it. Oh my God, look at this. ये कुछ ज्यादा ही अच्छा फाउंडेशन नहीं है, ये है क्या? Definitely, अब मेरे हर एक वीडियो में आप इसको देख पाओगे, बिकॉज ये कुछ ज्यादा ही अच्छा फाउंडेशन है। डेफिनेटली ट्राई दिस फाउंडेशन। OMG, लुक एट दिस, ये सच में वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन है, इतना अफोर्डेबल प्राइस, गो फॉर इट, जल्दी से जाके इसको बाय करो, इतना अच्छा ये फाउंडेशन है, मुझे भी नहीं पता था, सच में रिव्यू करते करते मुझे भी पता चला गया इसकी सच्चाई, आई लविंग। बिकॉज मुझे इतना ज्यादा पसीना आता है कि मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ गर्मियों में बाहर निकलने के लिए, बट अब मैं करूंगी बिकॉज इसके जरिए ये है अब मेरा गर्मियों का सहारा। जाओ और अपने लिए भी बाय करो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और एक बात बता दूं, ये बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर वीडियो है, आप लोगों के लिए मैंने खुद इसको बाय किया है और मेरे लिए भी। सो जाओ और आप लोग भी अपने लिए बाय करो, वीडियो अच्छा लगाओ, हेल्पफुल लगाओ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करके बताना आपको इसका बेस्ट पार्ट क्या लगा, और आप इसको क्यों बाय करना चाहते हो, क्या आपको भी मेरी तरह पसीना आता है, कॉमेंट करके जरूर बताना। और किसी फाउंडेशन का या किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो कॉमेंट करके बताना। बाय, लव यू। एक बार और देख लो मेरे बेस को, अभी भी वैसा का वैसा ही है, तो इसको अब हम रिमूव करते हैं मेकअप को।